Hey guys, it's Ashu here and welcome to Catch for RB channel. So guys, जैसे कि आप पीछे वॉलपेपर देख ही रहे हैं तो आज हम बात करेंगे Resurrection Remix ROM के बारे में. Guys, इस ROM को मैं अपने Lenovo Z2 Plus में पिछले 2 साल से ज़्यादा हो गया यूज़ करते हुए एंड यहाँ पे मुझे कोई भी इसमें प्रॉब्लम देखने को नहीं मिली है. ये बहुत ही कमाल की ROM आपके डे टू डे यूज़ करने के लिए एंड साथ ही साथ आपको इसमें इतने सारे फीचर्स एंड इतनी सारी कस्टमाइजेशन देखने को मिलती हैं जो आपको इस ROM के अलावा किसी भी ROM में देखने को नहीं मिलेगी. तो गाइज, आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इसे अपने पोको फोन में कैसे इंस्टॉल कर सकते हैं. साथ ही साथ गाइज, अगर आपको वीडियो पसंद है तो आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करने की, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाने की. सो गाइज, जल्दी से इस वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं Resurrection Remix के इंस्टॉलेशन प्रोसेस को. सो हे गाइज, फाइनली हम अपने फ़ोन की तरफ आ चुके हैं. तो गाइज, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हम अभी पोको F1 यूज़ कर रहे हैं जिसमें करंटली मैं यूज़ कर रहा हूँ पिक्सल एक्सपीरियंस. यहाँ पे अगर मैं अपने फ़ोन में जाकर एंड्रॉइड वर्जन पे टैप करके आपको दिखाऊं तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पिक्सल एक्सपीरियंस का प्लस एडिशन है जो कि एंड्रॉइड 10 के ऊपर बेस्ड है. तो गाइज, आप चाहे जो मर्जी रोम यूज़ करें, चाहे आप MIUI से वापस आ रहे हो, स्टेप बिल्कुल सेम रहेंगे. सो गाइज, सबसे पहले आपको कुछ फाइल्स डाउनलोड करनी है जो आपको अपने इंटरनल स्टोरेज में रखनी है. तो यहाँ से मैं अपनी फाइल्स में जाऊँगा तो आप यहाँ से फाइल्स देख सकते हैं. सबसे ऊपर हमारी डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन वाली फाइल, उसके बाद हमारी फर्मवेयर फाइल है जो कि लेटेस्ट फर्मवेयर पे हमें डाउनलोड करनी पड़ेगी जो कि अभी 12.0.3.0. इसके बाद आप मैजिस्क डाल सकते हैं अगर आप अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हैं तो. साथ ही साथ ये जो रोम है गाइज, वो गूगल ऐप्स के साथ आपको नहीं आती है तो आपको यहाँ से गूगल ऐप्स अलग से डाउनलोड करनी पड़ेगी, जहाँ पर मैंने गूगल ऐप्स का जो है नैनो पैकेज डाउनलोड करा है. इसके बाद गाइज, आपको नीचे रोम फाइल दिख जाएगी जो कि Resurrection Remix का OS जो कि बेस्ड एंड्रॉयड क्यू पर एंड वर्जन इसका 8.6.6. तो आपको ये सारी फाइल्स अपने इंटरनल स्टोरेज में रखनी है. इन सभी के डाउनलोडिंग लिंक आपको मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड करा दूंगा, जहाँ से आप जाके इन्हें डायरेक्ट डाउनलोड कर सकते हैं. तो गाइज, आपका जो भी फ़ोन हो, आपको अपनी सेटिंग्स में जाना है. सेटिंग्स में जाने के बाद आपको अपने अकाउंट्स में जाना है एंड यहाँ से जितने भी अकाउंट्स आप, उन सभी अकाउंट्स को अपने फ़ोन में से निकाल देना है. तो मैं यहाँ से अपने सारे अकाउंट्स अपने इस फ़ोन में से निकाल देता हूँ. साथ ही साथ गाइज, आपको एक और चीज़ करनी है कि आपको अपने बैक जाके सिक्योरिटी में जाना है. जितने भी आपके फ़ोन पे स्क्रीन लॉक, पासवर्ड या फिर जितने भी फेस अनलॉक लगे हुए हैं, उन सबको यहाँ से हटा देना है. तो मैं यहाँ से फटाफट से मैंने फेस अनलॉक को हटा दिया है. सो गाइस, फेस लॉक हटाने के बाद आपको अपने स्क्रीन लॉक में जाना है. यहाँ पे आपसे अपना पासवर्ड मांगेगा, आपको अपना पासवर्ड भर देना है एंड उसके बाद आपको यहाँ से नन सिलेक्ट कर देना है. यानी कि गाइस, आपके फ़ोन में कोई भी फिंगरप्रिंट, कोई भी फेस अनलॉक या फिर कोई भी सिक्योरिटी लॉक नहीं होना चाहिए. अगर आपके फ़ोन MIUI पे है तो आपको वहाँ से मी अकाउंट भी हटाना पड़ेगा. तो गाइस, आपके सारे स्टेप जो हैं फ़ोन के पूरे हो चुके हैं. तो गाइस, इसके बाद आपको अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देना है. तो मैं यहाँ से फटाफट से अपने फ़ोन को स्विच ऑफ कर देता हूँ. स्विच ऑफ करने के बाद आपको अपना पावर बटन एंड वॉल्यूम अप बटन दबा के रखना है. मैं इन दोनों बटन्स को दबा के रखता हूँ तो आप यहां से एक वाइब्रेशन फील होगी. जैसे आपको वाइब्रेशन फील हो, आपको वो बटन छोड़ देना है एंड जो आपका फ़ोन है वो TWRP में गाइस बूट हो जाएगा. सो गाइस, जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि हमारा जो फ़ोन है वो TWRP में यहां पे बूट हो चुका है. तो गाइस, जल्दी से हम इसका इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहां से स्टार्ट कर लेते हैं. तो आपको सबसे पहले वाइप पे जाना है, एडवांस वाइप पे जाना है. यहाँ पे डेल्विक कैच सिस्टम वेंडर एंड डाटा को सिलेक्ट करके यहाँ से स्वाइप टू वाइप कर देना है. यहाँ से आपका वाइप होने के बाद आपको वापस बैक जाना है एंड बैक जाने के बाद आपको इंस्टॉल पे जाना है एंड आपको वहाँ पे जाना है जहाँ पे आपने अपनी सारी फाइल्स डाली हैं. तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी सारी फाइल्स आपको देखने को मिल जाएंगी. तो गाइस, सबसे पहले तो आपको पोको F1 के जो लेटेस्ट फर्मवेयर है जो कि वर्जन 12.0.3.0 उसको सिलेक्ट करना है. उसके बाद हमें ऐड मोर जिप्स पे करके यहाँ पे अपनी जो रोम फाइल है उसे सिलेक्ट करना है. फिर हम दोबारा से ऐड मोर जिप्स पे फाइल करके यहाँ पे जो गूगल ऐप्स हैं उसे सिलेक्ट करेंगे. एंड गाइस, अगर आप अपने फ़ोन को रूट करना चाहते हो तो आप यहाँ से मैजिस्क को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. एंड इसके बाद गाइस, आपको जो फोल्डर सबसे लास्ट में फ्लैश करना है वो है गाइस डिसेबल फोर्स इंक्रिप्शन. तो हम फाइनली उसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं. आपको ये 5 फोल्डर सिलेक्ट करके स्वाइप टू कंफर्म कर देने हैं जो ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस है ये स्टार्ट हो जाएगा. तो मैं वीडियो को तब तक स्किप कर देता हूँ जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है. तो गाइस, यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो सारी फाइल्स हैं वो बिना किसी एरर के यहाँ पे इंस्टॉल हो चुकी हैं. यहाँ पे आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिला है. तो गाइस, जब आपकी ये सारी फाइल्स इंस्टॉल हो जाएंगी तो आपको उसके बाद जस्ट वाइप कैच एंड डेल्विक पे टैप करना है एंड स्वाइप टू वाइप कर देना है. इसके बाद जैसे ही आप रीबूट सिस्टम पे क्लिक करेंगे जो आपका फ़ोन है वो Resurrection Remix के अंदर बूट होना स्टार्ट हो जाएगा. तो गाइस, पहले बूट में थोड़ा सा टाइम यहाँ पे लग सकता है. तो जैसे कि आप देख सकते हैं हमें अभी पोको का लोगो देखने को मिल रहा है, यहाँ पे हमें जल्दी ही RR का लोगो देखने को मिल जाएगा. तो यहाँ पे हमारा Resurrection Remix का जो लोगो है वो आ चुका है. तो गाइज, हम फटाफट से इस वीडियो को स्किप करते हैं इसके सेटअप के दौरान. तो फाइनली गाइज, हमारी रोम का जो सेटअप है वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है. हम फटाफट से यहाँ पे नेक्स्ट दबाते हैं
नेक्स्ट दबाने के बाद हमें यहाँ पे रिजरेक्शन रिमिक्स का लोगो देखने को मिल चुका है। जैसे हम स्टार्ट दबाएंगे, हमारी जो रोम है वो पहला अपना बूट कंप्लीट कर चुकी है। तो यहाँ पे हम फटाफट से अपनी सेटिंग्स में चलते हैं। सेटिंग्स में जाने के बाद हम अबाउट फ़ोन में जाएंगे। अबाउट फ़ोन में जाने के बाद हम एंड्रॉयड वर्जन पे जाएंगे एंड यहाँ पे आप देख सकते हैं इस रोम की सारी सेटिंग्स, जहाँ पे आपको एंड्रॉयड वर्जन 10 देखने को मिलता है, रिजरेक्शन रिमिक्स का वर्जन देखने को मिलता है 8.6.6, यहाँ पे एंड्रॉयड सिक्योरिटी पैच लेवल देखने को मिलता है 5th जनवरी 2021 का, यहाँ पे जो गूगल प्ले सिक्योरिटी अपडेट देखने को मिलता है वो है 10। तो गाइज यहाँ पे ये रोम बिल्कुल लेटेस्ट है, आपको जनवरी में ही इसका लास्ट अपडेट देखने को मिला है। अभी तक के लिए गाइज ये एंड्रॉइड 11 पर बेस्ड नहीं हुई है, तो फ्यूचर में जैसे इसका एंड्रॉइड 11 का अपडेट आएगा मैं उसके ऊपर भी आपको एक वीडियो बना के दूंगा। सो गाइज यही थी सारी वीडियो रिजर्वेशन रिमिक्स को आपको कैसे इंस्टॉल करना है अपने पोको F1 में। अगर आपको इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आता है तो आप मुझे नीचे कमेंट्स में या फिर मेरे इंस्टाग्राम चैनल पर जाकर मुझसे पूछ सकते हैं। सारी फाइल्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है एंड मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी है, आपको जहां से आसान लगे आप वहां से जाकर इसकी फाइल्स को डाउनलोड करके इंस्टॉल कर सकते हैं। सो गाइस इस रोम का जो कंप्लीट रिव्यू मैं एक दो दिन बाद अपने चैनल पर अपलोड करूंगा, इसको पूरी तरह से टेस्ट करके वहां पे हम इसकी स्टेबिलिटी, इसके फीचर्स, इसकी परफॉर्मेंस के बारे में बात करेंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक शेयर एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाइए ताकि आपको मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।